हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। चलिए बात अब सिरसा की करते हैं, जहां पर जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बातचीत में दिग्विजय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनके परिवार का एक ही सदस्य चुनाव लड़ेगा। हालांकि दुष्यंत चौटाला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिसके बारे में पार्टी की कोर कमेटी फैसला करेगी। साथ ही उन्होंने आप और जेजेपी गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि दोनों पार्टी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और लोकसभा चुनाव में गठबंधन की जीत होगी। वहीं उन्होंने अभय चौटाला पर हमला बोलते हुए कहा कि अभय चौटाला बौखलाहट में उनके गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अब इनेलो में कुछ बचा नहीं है। अगर अभय चौटाला ने अजय चौटाला को दोषी बताया है तो ओम प्रकाश चौटाला भी दोषी हैं। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला को एक साजिश के तहत फंसाया गया था। निश्चित तौर पर इस अलायंस को आज लोग पसंद कर रहे हैं, लोग अपने जो है ना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, मन का स्नेह भी दे रहे हैं। और निश्चित तौर पर हम जो सिरसा का कैंडिडेट, मजबूत कैंडिडेट जब उतारेंगे, तो सिरसा जिला के लोग अपने घर के सदस्य दुष्यंत चौटाला जी को मजबूत करने के लिए और केजरीवाल जी को ताकत देने के लिए एक एक मत जो है वो गठबंधन को देंगे और ये सीट जो है भारी अंतर से जीत करके हम निकलेंगे। और एनलाबाद उसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी निभाएगी, मुझे जो एनलाबाद घूम करके एहसास हुआ। देखो, मुझे तो सबसे ज़्यादा पीड़ा इस बात की हुई जब अभय सिंह जी ने ये कह दिया कि अजय सिंह चौटाला जो दोषी हैं, इसका मतलब अजय सिंह चौटाला अगर दोषी हैं तो फिर चौटाला साहब भी दोषी हैं। 7 साल से हम ये संघर्ष कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बड़ों को, हमारी पार्टी के नेताओं को गलत साजिश के तहत जो है कुछ लोगों ने फंसाया है और वो स्वयं भी इस बात को मान्या करते, मगर वो इतने मजबूर हो गए कि उनको इतने न्यूनतम स्तर की बात करनी पड़ी। मुझे कम से कम उन जैसे नेता से और परिवार का एक जिम्मेवार सदस्य होने के नाते उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो चौटाला साहब को दोषी मान लेंगे। ये न्यूनतम स्तर की और बहुत ही गिरे हुए स्तर की राजनीति है।